टेक uh, actually, क्या है? सत्यम जी ने एक केस में रिक्वेस्ट की थी ये, हमने, हमारी केस हमने हमने ये रिक्वेस्ट की थी कि के, के, सो मिनट में डेढ़ सौ केस की के लिस्ट एग्जॉस्ट करने के लिए मैं दो मिनट से ज्यादा नहीं दे सकता मैंने जब जब आर्ग्यूमेंट को कटेट करने के लिए क्वेश्चंस पूछे वाइल्ड रिएक्शंस आए एक दिन तो प्रहलाद चौ... चौधरी जी कहते आप तो पूछा ही ना करो सर आप चुप रहा करो आपको जो करना कर दिया करो तो ये करीब महीने भर पहले की बात है हमने तब से पूरे प्रयास करने शुरू कर दिए हैं कि अब कोई प्रश्न ना पूछे अभी भी कभी कभी किसी प्रश्न केस में प्रश्न निकल जाते हैं प्रश्न निकलना भी चाहिए तो जूनियर को तो फायदा होता है ना कि कोर्ट क्या सुने सर सुने सवाल इस बात का है कि प्रश्न पूछे या ना पूछे अगर हम आपके आर्ग्यूमेंट्स को कर्टेल नहीं करते हैं तो अच्छी बात है कि बुरी बात है। अब जब कर्टेल्स नहीं करेंगे और आप लोग सेल्फ रेस्ट्रेन एक्सरसाइज नहीं करोगे तो किसके कॉस्ट के ऊपर आपके आर्ग्यूमेंट्स हम सुन रहे हैं सर आपके जो उस आर्ग्यू करने वाले काउंसिल के पीछे जो बैठे हैं उन्हीं के पिछली के लिए तो सुन ही रहे मैंने यही कहा था कि ये ऐसा एक ज्वलन प्रश्न है क्योंकि आपका ग्रीवेंस नहीं है कि नंबर नहीं आया ये आपके पक्षकार का ग्रीवेंस और वो प्रश्न है और, और सही प्रश्न है इसको हमें और आपको दोनों को मिलकर ढूंढना पड़ेगा तो दे 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 मुझे कोई नहीं। मैं मैंने है। तो सत्यम जी से बोला है मैंने सत्यम जी से बोला भी था फिर भी हमने कहा रख लो देखते हैं क्या उसके चक्कर में लड़ चुकी पूरे हम लोग जो रूटीन गड़बड़ा जाता है क्या करें इनका मेरे पास फोन आया आयान जी आप मैं आपसे एक छोटा सा प्रश्न पूछ रहा हूँ सवा तीन सौ मिनट तो पूरे टाइम बैठते नहीं नहीं वो, वो पॉसिबल नहीं है देखते केस करना पॉसिबल नहीं है लो नहीं? हम लोग ने सीजे के साथ बैठक हुई थी हमारे हमने कहा था आप इतने केस लगाते क्यों अच्छा हमें उससे ग्रीवेंस नहीं है हमारा ये है कि हम आप कहें कि सर डेढ़ सौ केसेस आपको मैरिज में डिसाइड करने हैं हम गारंटी देते हैं कि आपको वही ऑर्डर मिलेगा जो हम पंद्रह मिनट सुनने के बाद करेंगे पर हम हमारे लिए फाइल है एल आई एफ ई वही परिण चार वर्ड्स हैं जो इधर उधर कर दीजिए पूरी परिस्थितियों का कर देते आपका केस आप 20 साल से लड़ते आए हैं मेरी नजर में अच्छा नहीं है कानूनी रूप से मैं आपसे खड़े होते कह दूं कि आपके केस में दम नहीं है आपको संतुष्टि होगी कि आप 20 मिनट बहस करने के बाद संतुष्टि होगी ये अपन प्रैक्टिकल बात करते हैं तो जब आपको लगेगा हमने पूरी बहस कर ली है अब जो भी आदेश हो गया हो गया तो कम से कम आपके पक्षकार को भी लगेगा नहीं तो खड़े होकर कह दें कि शरण जी आपके केस में कुछ नहीं है अब आप बहस मत करो हो गया मैंने सब देख के आया हूँ नहीं मैं तो एडमिट कर लेता हूँ मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ आपकी बात नहीं कह रहा हूँ तो क्या हम ऐसा पैटर्न चलाएं नहीं चल, नहीं, चल नहीं चल पाएगा दूसरा ये था कि प्रश्न करके कट शॉर्ट करें वो भी नहीं हो पा रहा है उल्टा रिएक्शन आ रहे हैं फिर तो हमको पिछले महीने बोला गया कि सब पूछो ही मत हमने कहा बहुत अच्छी बात है तो उस समय शशांक शेखर और अजय मिश्रा जी भी बैठे थे हमने कहा आप दोनों शांत हो हम मान के चल रहे प्रश्न नहीं पूछ रहे तो हमने बहुत कोशिश आप देखना एक महीने से हमारे कोशिश बहुत कम होते जा रहे हैं बट अभी भी हम पूछ लेते हैं क्योंकि पुरानी आदत है ना लगता है कि जब तक हम आपके वो अपॉर्चुनिटी उप, ना दें जिसके कारण से आपका केस खारिज हो सकता है तो हमको लगता है कि नहीं अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए।, चाहिए फिर भी हम पूछ लेते हैं अभी भी हमने तो सब जूनियर थे तो सीखा ही इसी बात पर थी कि जज को क्या क्वेश्चन पुट कर रहा है अब तो इसी परंतु शैलें इस ज्वलंत प्रश्न का हम आंसर कैसे ढूंढे हैं कि आपको सारी आर्ग्यूमेंट्स का समय देते हुए हम मैक्सिमम लिस्ट कैसे करें मेरा यह प्रश्न आपसे और अपने, अपने आप से खुद से। मेरे से था मैंने कहा साढ़े चार के बाद आप लोगों की जिनकी कंसेंट होगी वो आ जाइए जिनकी नहीं होगी हम एक भी बता दीजिए कि हमने कहा हो कि सत्यम अग्रवाल जी साढ़े चार के बाद नहीं आए तो इसलिए हम एक्सपर्टी करते हैं हाँ हमने पास केसेस में जरूर कहा था कि आपका केस हमने वर्किंग आवर्स में बुलाया था अब आप जबरदस्ती आप कोशिश करोग बढ़वाने के तो ना बढ़ाएंगे बट फ्रेश फ्रेश केसेस हमने कभी नहीं एक्सपर्टी किए क्योंकि तो वो वो आपका समय है आप कहोगे कि साढ़े चार के बाद मत बैठो हम नहीं बैठेंगे आप कहोगे कि सर जो जो आता उसकी सुन लीजिए हम सुनेंगे बट मैं आई कैनॉट कंपेयर यू टू वर्क आफ्टर फोर थर्टी

हमने प्रश्न पूछ के कटेल कराने की कोशिश की तो वो वर्कआउट नहीं हो पाया नहीं हो पाया उल्टा रिएक्शन आते सब ऐसा हो गया वैसा हो गया ठीक है भी जानते रिएक्शन किसके आते हैं सर आप भी ठीक तो है सवाल वो नहीं है सर सवाल मुझे लॉयर से प्रॉब्लम नहीं है प्रॉब्लम ये है कि अगर पक्षकार को लगता है कि मेरी बहस ठीक से नहीं सुनी गई है मुझे उस बात से प्रॉब्लम है सर ये इंस्टीट्यूशन मेरे लिए नहीं है आपके लिए नहीं

हमारा कहना है कि सारे फैक्ट्स को आप डिटेल में बताएं आप कट शॉर्ट में लेके आइए हम भी तो दो मिनट लगते हैं फाइल को पल -पलट के एक से समझने में समझ रिक्वेस्ट यही थी मैंने सत्यम जी से कहा था कि आइए हम दोनों मिलकर इस प्रश्न का आंसर ढूंढे और अदरवाइज लिस्ट एग्जॉस्ट करानी है तो हम सौ में से एक सौ बीस जो है एक घंटे पर लेट लेट अस अस लुक फॉर द आंसर ऑफ दिस रियल प्रॉब्लम ये आपका क्वेश्चन नहीं है मैं आपके कहने की बात नहीं कर रहा हूं आपका पक्षकार को बार बार लगे कि आज नंबर नहीं आया कल नंबर नहीं आया ये क्या हो रहा है दैट शुड नॉट हैपन दिस इज व्हाट माय पर्सनल परसेप्शन इज आज नहीं आया कोई बात नहीं कल आ जाना चाहिए कल नहीं आया पर परसों तो आना ही चाहिए एक दो दिन का तो फिर भी हम कहते हैं चलो चलेगा पर

जिसके नंबर नहीं आए हैं कोई वो डेट चाहता है आप हमें कागज में दे दीजिए हम वही डेट लगाएंगे लगा और जिसको कोई डेट की जरूरत नहीं हम कहते हैं जान दो उसको नोटिस में जा तो हमारे एंड से आपके लिए जो भी परेशानियां हो सकती थी और जो भी सॉल्यूशन में निकाल सकता था हमने अपने मन से अप बिना कहे बिना सजेशन के किए निकाल दिए हम साढ़े चार बजे या उठने से पहले चाहे छह बजे उठ रहे हो हमेशा कहते हैं कि साहब ये कागज हम दे रहे हैं जिस जिस को जो जो डेट चाहिए प्लीज बता दीजिए डेट पे लगाते हैं। इससे ज्यादा हम और क्या कर सकते हैं आप और सजेस्ट करें आप और सजेस्ट करें कि इससे ज्यादा और क्या इम्प्रूवमेंट होता है बैठते हैं सर चौबीस तारीख के बाद हम लोग कहेंगे डेढ़ सौगा एक सौ बीस केस लगा अच्छी बात नहीं कह रहा हूँ आई एम टॉकिंग अबाउट माई कोर्ट आपके वोट में तो कर इससे ज्यादा कुछ हो भी नहीं सकता मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ तो 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 मैक्मम है मैं उसके फिगर्स की बात नहीं कर रहा मैं कह रहा हूँ जो नॉट रिच रह रहे हैं उनको सेट करने के लिए उनको स्ट्रीम में बने रहने के लिए हमने एक तरीका ये निकाला है कि आप डेट्स दे दीजिए हम लगा लेंगे और उसको रोल करते रहेंगे अगले अगले दिन

इस पर कोई कमेंट नहीं करेंगे <laughs> मेरा मेरा शरण जी मेरा ये कहना है ये है हाउ टू कट शॉर्ट दी आर्ग्यूमेंट्स ये आप लोगों को अपने लिए खुद अप्लाई करना पड़ेगा मैं बहुत ज्यादा आप मुझे लिबर्टी भी दे दोगे तो भी मैं इस एक्सटेंड तक कट शॉर्ट नहीं करूंगा कि आपके मन में ये आ जाए कि सुना ही नहीं गया जब मैं कट शॉर्ट कहता हूं मैं कहता हूं ये आपके फैक्ट्स है ना जब सामने वाला हाँ बोलता हूं कहते आप जवाब दो तो इसका ताकि आपको पता रहे कि कोर्ट को फैक्ट समझ में आ गए हम तो हमेशा कहते हैं यार मेरी सुन लो मैं फाइंडिंग नहीं दे रहा हूँ मैं बता रहा हूँ मुझे क्या समझ में आया है इसमें कुछ करेक्शन है तो करेक्शन करो नहीं तो आगे बढ़े वॉट एल्स इज रिक्वायर्ड ये बताइए मेरे पर कई बार जब रिएक्शंस आते हैं तो फिर हमारी तरफ से भी आएंगे यार उसमें क्या है तो मेरा निवेदन था सर चार बजे आलोम बंद हम अब वो नहीं है आप, आप लोग बताओ मैं है। मेरे हर डेट है 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 परंतु के नंबर बहुत ज़्यादा नहीं हो पाएगा ना परेशाना हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है सर। तो अगर फ्रेश केसेस 70 प्लस आ रहे हैं अगर हम चार से पांच मिनट भी देते हैं तो आप सोचिए दिन भर में कितना टाइम लेगा वो में कर लो डेलेगा आप लोग देख के बता दीजिएगा है, चलो उसको। कौन सा नंबर था? One, 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 three. One, one, three को कर ठीक में कितने लिए जा सकते हैं उतने टाइम है, है सब मैं तो व्यक्तिगत भी जानता हूँ ना मुझे मालूम है। <laughs> मेरे से था कि कट शॉर्ट किए बगैर हम टाइम अपना एक्सटेंड कर ले आप लोगों की मदद से वो वर्कआउट हो भी चल भी रहा है और कई बार समझ में सुनने में आता है कि पसंद भी नहीं किया जा रहा हमने कहा ठीक है, काम, काम करने के है इतना नहीं, नहीं, जी, उस आदमी की मन स्थिति देख लीजिए जिसका पच्चीस साल से लड़ रहा है और हम नहीं सुन पा रहे है उसकी उसका पच्चीस साल का धैर्य और हमारा एक घंटा अगर आप कंपेयर करेंगे तो हमारा घंटा उसके धैर्य के सामने कुछ भी नहीं है कुछ भी नहीं बात ये बात सही हो के भी है। आ, तो उसके सामने हमारा एक घंटा एक्स्ट्रा देना कुछ भी नहीं है हमको देना चाहिए मेरा मानना है आप लोगों के जी ने कई बार बोला है मेरे से हेल्थ इश्यू पे ध्यान रखिए हमने ये भी कहा था कि हम अमर तो है नहीं इस दुनिया में कोई भी अमर नहीं है अगर हम किसी के आंसू पूछने का प्रयास कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं हमें साढ़े चार बजे भी उठने में परेशानी नहीं है बस बस हमको नंबर ऑफ केसेस की हियरिंग ज़्यादा चाहिए चलिए सर